एग्जाम विवाद को लेकर कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन छात्राओं ने हिजाब बैन के खिलाफ याचिका दायर की है वे कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रभाव में ऐसा कर रही है। आपको बता दें कि हिजाब बैन पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। वहीं इसी दौरान जनरल तुषार मेहता ने कर्नाटक सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन लड़कियों को मोहरा बनाकर सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने की साजिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।